हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन नेवर स्टॉप लर्निंग। आज मैं आपको क्लास 7 बायोलॉजी चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पढ़ाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ईच स्पीसीज और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ देयर ओन वे ऑफ टेकिंग इन फूड। उनके अलग अलग वे होते हैं फूड को अंदर लेने के। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक प्लांट नेक्टर्स। इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड सम एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। स्नेक्स सच एज पाइथन कंज्यूम द एनिमल्स अपॉन विच दे प्रे। एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग क्लोज बाय एंड फीड ऑन देम। डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे होता है डाइजेशन? द डाइजेस्टिव ट्रैक, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द होल पाथ अलॉन्ग विच फूड मूव्स थ्रू द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ से शुरू करके एनस पे ख़त्म होके डाइजेशन होता है ह्यूमन्स में। डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड्स द ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास आर द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि नेम द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आंसर आप लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियास। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या क्या होता है, क्या इंक्लूड होता है, तो ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेशन कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग। सो स्टार्टिंग होती है माउथ से, एंडिंग होती है एनस पे। बकल कैविटी। बकल कैविटी मोस्ट कॉमनली उसको माउथ कहते हैं, एंड इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से या फिर बकल कैविटी से। इसमें टंग और टीथ इंक्लूडेड होती है, इसमें होता है। टीथ हेल्प्स इन च्यूइंग फूड, फूड को चबाने में हेल्प करती है और उसका ब्रेकडाउन में हेल्प करती है स्मॉलर पार्टिकल्स में। टंग जो होती है फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन होता है जो अटैच होता है बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में। सलाइवा सेक्रेटेड होता है हमारे माउथ में और हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है फ्लेशी इन नेचर, जो हमारे बैक से अटैच होता है, जो बेस होता है बकल कैविटी, वहाँ पर ये हेल्प करता है सलाइवा को फूड से मिक्स करने में जब च्यूइंग का पीरियड चल रहा होता है, एंड एड्स इन स्वॉलोइंग, और उसको स्वॉलोइंग में हेल्प करता है टंग। टंग पोसेसेस टेस्ट बड्स दैट हेल्प अस रिकॉग्नाइज डिफरेंट टेस्ट। टंग हेल्प करता है टेस्ट बड्स को, टेस्ट बड को पोसेस करने में, और उससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, सोअर है, स्वीट है, जैसा भी है। टूथ डिके। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। दीज एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। ये एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देती है और टूथ डिके में रिजल्ट करती है। ईसोफेगस और फूड पाइप। जो फूड स्वॉलोड हो जाता है वो ईसोफेगस में पास हो जाता है स्वॉलोइंग के बाद। मस्कुलर ट्यूब में अबाउट 25 सेंटीमीटर जो लॉन्ग है, एमसीक्यू में पूछा सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि मस्कुलर ट्यूब का कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है मस्कुलर ट्यूब। उसमें एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर मसल होती है, वॉल्व या फिर ओपनिंग होती है ईच एंड में। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूड आफ्टर बींग स्वॉलोड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। माउथ स्टमक में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। फूड इज प्रोपेल्ड डाउन बाय एस देयर इन मूवमेंट थ्रू द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। स्टमक एक थिक वॉल्ड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ओपन्स इन द इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन टूवर्ड्स द अदर ओपनिंग। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूसेस म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस। फूड इज चर्न इन टू सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक। एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस डिसइंटीग्रेट द फूड। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में वो डिसइंटीग्रेट करते हैं फूड को,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी किल करने में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हाईली कॉल्ड ऑर्गन है, 7.5 मीटर लेंथ का, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एज वेल एज फ्रॉम पैक्रियास। कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है या फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ कॉल्ड विलाय। इनर वॉल्स में, इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विलाय कहते हैं। विलाय इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ईच वायलस, विलाय का सिंगुलर फॉर्म में वायलस, हैज़ अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एब्जॉर्ब फूड बाय विलाय इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाइडर होता है और शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये 1.5 मीटर लेंथ में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। रिमेनिंग वेस्ट मैटर इज पास्ड आउट थ्रू द रेक्टम। टाइम टू टाइम फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस एजेशन। एनस एक ओपनिंग होती है एंड ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। द रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे फीकल कहते हैं, फीकल मैटर कहते हैं, फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन अकर्स थ्रू द एनस, और इस प्रोसेस को हम लोग एजेशन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉट इज एजेशन, तो यही आंसर लिखना होगा, रिमूवल ऑफ फीकल मैटर या फीकस लार्ज इंटेस्टाइन अकर्स थ्रू द एनस और इस प्रोसेस को हम लोग एजेशन कहते हैं। सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ एंड दे पोर्ट द सेक्रेशन सलाइवा इन टू द माउथ बाय सलाइवरी डक्ट्स। सलाइवा हैज म्यूकस एंड सलाइवरी एमाइलेज। म्यूकस हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ फूड थ्रू द फूड पाइप। सलाइवरी एमाइलेज इज एन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च कंटेंट ऑफ फूड इन टू सिंपलर शुगर। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल है स्टार्च के ब्रेक डाउन में कंटेंट ऑफ फूड सिंपल शुगर में, मतलब सिंपल पीसेस में। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन है जो हमारे लिवर में होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के राइट साइड में। ये बाइल जूस को स्टोर करता है सेक्रेटेड बाय द लिवर। बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि डैश प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो वो है बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। इंजेशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड डाइजेशन। पार्शल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक एंड कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। पार्शल डाइजेशन होता है स्टमक में और वहीं कंप्लीट डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द ब्लड वेसल्स लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वॉल। द फिनोमिनन इज रिफर्ड टू एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अंदर हमारी बॉडी में लिया जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाय। इनर वॉल्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं जिन्हें विलाय कहा जाता है। द सब्सटेंसेस दैट आर अब्सॉर्ब्ड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल्स टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी where it is utilized to build complex substance like proteins essential of the for the body, इसे हम लोग assimilation कहते हैं। Digestion in grass eating animals, grass eating animals just like cow, horse, digestive system in grass eating animals is different from that of humans. These animals are chewing continuously even when they are not eating.
they swallow the grass very fast and store it in a chamber called rumen. In the rumen, the bacteria partially digest the food and now it is called as curd. Later, curd reverts to the mouth and animals chew it again slowly. This phenomenon is referred to as rumination and the animals are called ruminants. In animals ko ruminants bhi kaha jata hai. They also have a very long small intestine which helps in complete digestion of cellulose, the main component of grass. Curd, partially digested food returned from rumen into the mouth for further chewing, usse hum log curd kehte hain. Rumination, rumination ek process hai by which the cattle regurgitates previously consumed feed and masticates it a second time. Usko dobara se masticate karta hai. Feeding and digestion in amoeba. Amoeba ek single celled organism hai, microscopic in nature, found in pond water. Amoeba regularly changes its shape and position. Process of digestion in amoeba. Amoeba captures the food particles with the help of pseudopodia. इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस. अ फूड वैक्यूल इज थस क्रिएटेड विद द फूड मटेरियल इनसाइड. डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रोड्यूस्ड इनटू द फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं व्हेन इट इज़ मूविंग थ्रू द साइटोप्लाज्म. दे एक्ट ऑन द फूड एंड डिसइंटीग्रेट इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्सॉर्ब्ड. Finally, the food vacuole opens to the outside and undigested food is released into surrounding water. अगर आपको मेरी ये वीडियो न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स पे पसंद आए लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू.